डेढ़ घंटे से गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, 9:30 का टाइम दिया था, अभी तक गाड़ी नहीं आई। रास्ते में गाड़ी हो गई है खराब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं भाई मोहम्मद सुफियान अल्लाह। तो हालात कुछ यूँ हैं कि हमारे उस्मान भाई को लगी हुई थी भाई बड़ी सख्त भूख। इन्होंने कहा कि भाई चलते हैं भाई कबाब खाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर मदरसे के बाहर एक मशहूर कबाबी उसके पास आए हुए हैं। ये अभी कबाब आया है, तो कबाब को ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। कबाब के साथ जो है भाई टमाटर है और साथ में हरी मिर्च है, तो ट्राई करते हैं इसको कबाब। ये भाई आप चेक कर सकते हैं कितना तो भाई चटनी भी आ गई है, साथ में आ गई है सलाद कबाब, साथ में टमाटर और साथ में चटनी। मज़ेदार लेवल का मज़ा है भाई, बड़ा बेहतरीन कबाब है यहाँ का। तो जी हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, उस्मान भाई कबाब आपने खाया तो वो क्या कैसा पाया आपने मुश्ताक कबाबी के कबाब को? बहुत मज़ा आया जी। अच्छा कबाब बहुत बेहतरीन था भाई। अब हम वापस मदरसे जाते हैं और आज खुशी की बात ये है भाई कल हो रही हैं छुट्टियाँ, तो कल इंशाल्लाह 12:30 जो है पीरियड्स के बाद जो है हम वापस रवाना होंगे मानसरा की तरफ। दी नेक्स्ट डे। तो जी हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई है और अभी भाई आज जाना है हमने घर को, और हमारे साथ मौजूद है भाई आरफ साहब और इस तरफ जो है अरसलान भाई जो हैं तशरीफ़ फरमाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई सुबह सुबह खबर मिली कि भाई छुट्टी हो रही है 9:30, तो अल्लाह अभी गाड़ी वाले को कहा भाई आप 9:00 अपने आप को पहुँचाने इंशाल्लाह, तो 9:30 निकलते हैं। अरसलान भाई क्वेटा जा रहे हैं, तो कब रवानगी है आपकी? 12:00 जाएंगे इंशाल्लाह। तो अरसलान भाई की 12:00 रवानगी है, हमें निकलेंगे इंशाल्लाह, और ये हमारे निज़ामपुर के साथी हैं। तो आपकी रवानगी किस टाइम भाई? 9:30। आप भी 9:30 निकलेंगे इंशाल्लाह। तो नहा लिया भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बैग भी पैक कर लिए हैं, बैग आप देख सकते हैं। लेकिन एक बंदा हाँ ऐसा है ना कि उसने अभी तक नहीं नहाया, ये अभी तक नहीं नहाया, ये अभी तक जो है ना नहीं नहाया। तो Few moments later. जी हाँ भाई डेढ़ घंटे से गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, 9:30 का टाइम दिया था, अभी तक गाड़ी नहीं आई। तो हमारे जो सारे साथी हैं गर्मी के मारे हुए हैं सारे, और गर्मी में बैठे हुए हैं गाड़ी का इंतजार करते हैं। तो ड्राइवर से रब्तु हुआ कि भाई थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई गाड़ी जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल से पहुँच गई है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी ये पहुँच गई है। जी हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए हम, और टाइम हो रहा है इस वक्त भाई 11:20, और अभी इस वक्त हम पद्मी में, और इंशाल्लाह मौसम तो गर्म है लेकिन गाड़ी के ऐसी सही काम कर रहे हैं और गर्मी कुछ महसूस नहीं हो रही। जी जनाब रास्ते में गाड़ी हो गई है ख़राब, कोई शेजी वगैरह का मसला, तो अभी खोला हुआ है गाड़ी को तो कुछ काम कर रहे हैं, तो गाड़ी सही होती है तो फिर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जी हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हो चुकी है ठीक, कुछ मसला था बीच में मैकेनिक ने ठीक करी, तकरीबन आधा घंटा लगा है, और अभी टाइम हो रहा है भाई 12:16, और अब इंशाल्लाह निकलते हैं आगे। Oh
अल्हम्दुलिल्लाह भाई मानसरा अड्डा पहुंच चुके हैं। तो अभी जो है भाई हालात कुछ ऐसा था, नाश्ता भी नहीं किया था तो सही सख्त किस्म की भूख लगी हुई है, और समीर भाई को भी जो है ना भूख लगी हुई है। होटल देखते हैं भाई यहाँ पर, जो है घर पहुँचते पहुँचते 4 बज जाएंगे, तो कहीं हम भूख से हलकान ही ना हो जाए। अब यहाँ पर होटल देखते हैं भाई, वहाँ पर जाते हैं इंशाल्लाह तक खाना खाते हैं। तो जी भाई ऑर्डर किए भाई हमने निहारी और साथ में कीमा, तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं और फिर पहुंचते हैं घर को इंशाल्लाह। 3 hours later तो जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके थे, और उसके बाद हम आप आए बाजार को कुछ सामान वगैरह लेना था। सुमान भाई के साथ आए हुए, और हमारे साथ 2 ये शैतान बच्चे भी आए हुए। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और इसके साथ साथ आपने घंटी का बटन दबाना भी नहीं भूलना, ताकि आपको इस तरह की मजेदार वीडियोज़ और हमारे ब्लॉग्स पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के अंदर, अल्लाह हाफिज़।